पूरियाँ बन रही है इधर पहले में। यहाँ पर कपड़े की दुकानें लग रही है अभी। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम हरजीत सिंह जी। सर कहाँ से आए आप? सर हम पंजाब से आए हैं, पठानकोट से। या मेले में आए बनी? हाँ मेला आए हैं देखने के लिए। अच्छा कैसा लग रहा है बनी मेला? मेला आने के अच्छा लग रहा है मेले का, पूरा अच्छा माहौल बना हुआ, ठंडा मौसम है पूरा एकदम। ओके रिपोर्ट है जी। पहले भी आते हैं इधर? फर्स्ट बार आए हैं, पहली बार। कैसा लग रहा है बनी और चंडीगढ़ में कितना फर्क? मौसम का बहुत फर्क है। ठीक लग रहा है बनी में? अच्छा लग रहा है। कुछ कह रहे पहले भी आंदे थे आज? ठीक है मौसम में बनी। यहाँ पर अभी दुकानें भी लग रही हैं, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरा घर है लखनपुर है। हर साल आते हैं थे? हैं हर साल आते हैं? नहीं मैं तो पहली बार ही आया। क्या क्या कमान है? कमान वाले से घूमने आया हूँ, घूमने आया, मेला देखने आया कहती है। ठीक शक्ति है ये पहाड़ी कल्चर मंच, ये भी हमारे साथ है। सर क्या कहना चाहें आज ये मेले के बारे में? बनी का मेला एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला है और ये इस साल किसी वजह से क्लियर नहीं हो रहा था कि ये इस साल मेला होगा या नहीं होगा। तो हमारे डीसी कठुआ, एसडीएम बनी, एसएचओ बनी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने ये एक क्लियर कर दिया कि एज फार रूटीन जैसे ये हर साल होता है इसी तरह इस साल भी होगा। तो इनकी मेहरबानी से ये मेला अब सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये इस मेले की रौनक, ये तीन चार स्टेटों से लोग आते हैं तो यहाँ बहुत रौनक बनती है। पहाड़ी कल्चर मंच की जो कमेटी है वो उसका बहुत तरह से बहुत ज़्यादा योगदान है इस के हर जो हमारा चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर या जो भी हमारे बाहर के ऑफिसर आते हैं उनकी अच्छी तरह इज्जत होती है और हौसला अफजाई होती है। तो ये मेला एक ऐतिहासिक मेला है और ये चलता ही रहेगा, ऐसा चलता रहेगा और ऐसे ही बनी की तहसील में चार चांद लग जाते हैं इस मेले को की रौनक की वजह से। जय हिंद जय भारत।